एमएलएज हैं जिसमें से 16 चुनिंदा एमएलएज को चयन करके यहां नवाजा जाता है आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए रूप ज्योति कुर्मी जी की स्पिरिट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ऐसी ही स्पिरिटेड आवाजें कुछ और जिनमें ऐसा ही जोश उमंग उत्साह है, हमारे स्टूडेंट लीडर्स जो कि इस समय मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं। हम आवाज देंगे अक्षत गांधी जो कि गुजरात से आते हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं यहाँ, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज के विषय पर अपने विचार रखें। नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार महाराष्ट्र, नमस्कार पुणे। आज या ठिकाणी मला खूपच अभिमान वाटतोय की ज्या मातीत मी उभा आहे ती माती भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर, समाज सुधारक महात्मा फुले यांसारख्या थोर देशभक्तांची कर्मभूमी आहे। दोस्तों, जिस देश में लोगों को ही अपने आप को पिछड़ा सिद्ध करने की होड़ लगी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं। जहन में यह सवाल बार बार आता है कि जो देश 300 साल बाद आजादी की सांस ले पाया, आज 70 साल के बाद भी इस देश की दशा इस कगार पर खड़ी है कि उसका हर समुदाय आरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहा है। दोस्तों, यह आरक्षण मात्र 10 साल तक दिया गया था, लेकिन कहीं राजनीतिक कारणों से इस अवधि को आगे बढ़ाया गया और आज यह आरक्षण एक सियासी खिलौना बन चुका है। दोस्तों, सियासी खिलौना बन चुका है और यही सियासी स्वार्थ के लिए जात-पात के हथियार से लोगों, समाज को बांटने वाले लोगों ने हम जैसे युवाओं को भी इस आरक्षण की लालच में घूसखोरी देके भ्रमित कर दिया है। दोस्तों, परिणाम आज मेरे गुजरात में कोई अपनी संपन्न जाति के लिए आरक्षण मांग रहा है। याद दिला दूं दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ 23 साल में देश के लिए शहीद हो गए थे। वो एक जट सिख थे, अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई खुद पटेल थे। यदि वे आरक्षण मांगने निकल गए होते तो आज भी ये देश अंग्रेजों का मुहताज होता। दोस्तों, जिस देश का संविधान धर्म निरपेक्ष होने का दावा करता है, उस देश में बढ़ता हुआ जातिगत आरक्षण उसकी समाज की संविधान की वैधता पर प्रश्न उठाता है। समानता के नाम पर ही आरक्षण की बात असमानता की आग में घी डालने जैसी है। दोस्तों, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, अगर इस आरक्षण की व्यवस्था को जड़ मूल से मिटाना है तो समाज के सभी वर्गों को पढ़ने का और रोजगार करने का समान अवसर प्रदान करना होगा। और इसमें सिर्फ भारत सरकार नहीं बल्कि आज तक की आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित होने वाली पिछड़े जाति की संपन्न प्रजा भी सहाय बन सकती है यदि वे अपने ही गांव के एक गरीब पीड़ित बच्चे को पढ़ाकर मुख्य धारा में लेकर आए तो देखते ही हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा। दोस्तों, और फिर भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ी तो वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीबी जब जाति देखकर नहीं आती तो यह आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? दोस्तों, ऊंची डाली को छूने के लिए हमें ऊपर उठना चाहिए, ना कि उस डाली को ही चुका देना चाहिए। ठीक उसी तरह कमजोर को योग्य बनाकर उसे कार्य सौंपना चाहिए, ना कि उसे आरक्षण देकर कार्य को ही चुका देना चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षत गांधी ने अपनी बात रखी रिजर्वेशन के खिलाफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर, अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ अक्षत गांधी। तो युवा छात्र नेताओं की ये बेबाक राय भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर आप सुन पाते हैं। और अगली वक्ता स्टूडेंट लीडर संबोधी रविंद्र